और दोस्तों मुझे पता है कि वीडियो काफी बड़ी हो चुकी है, लेकिन जो टेक्नोलॉजी है वो काफी अच्छी है। तो यार वीडियो देख लो, और काफी मजेदार भी है यार। मुझे इंटरेस्ट बहुत आया और रिसर्च करने में मुझे काफी मजा आया। हाँ भाई, कैसा जा रहा है 2021? और वीडियो किस लिए नहीं आ रही यार दोस्तों, पहले ये बता दूं आपको कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर गया था, आउट ऑफ स्टेशन था, इसलिए वीडियो नहीं आ रही थी। और कोई रीजन नहीं है, और आप लोगों को जाना बहुत जरूरी है कि वीडियो क्यों नहीं आ रही है। ऐसा नहीं कि चैनल मेरा बंद हो गया यार, बहुत मेहनत लगी है यहाँ तक आने में, और काफी अब मजा भी आ रहा है धीमे धीमे। मतलब इतने दिनों बाद तो मजा ऑब्वियसली बात आएगा ही। खैर, उस बात छोड़ते हैं। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं CES 2021 के बारे में, एंड ये एक इवेंट है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो करके। तो इस इवेंट में बहुत सारी कंपनी पार्टिसिपेट करती है और अपने नए इनोवेशन, अपने नई चीजें लॉन्च जो होने वाली है, या फिर प्रोटोटाइप कह सकते हो इसे, वो लोग डिस्प्ले करती है, आपके एक तरह का एग्जीबिशन कह सकते हो उसे। और बहुत बड़ा इवेंट बहुत बड़े लेवल पे होता है। तो यार इनमें से मैं कुछ टेक्नोलॉजीज आप लोग के लिए लेके आया हूँ जो कि आने वाले टाइम पे काफी ज्यादा इफेक्टिव और काफी ज्यादा बढ़िया काम करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी करते हैं स्टार्ट। मेरा नाम है शिवांश, आप देख रहे हैं ड्रिल माय टेक, चलिए टेक मचाते हैं। तो दोस्तों ये कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो स्टार्ट हुआ था 11th of January को, और आज इसकी लास्ट डे है 14th of January। तो मैंने सोचा क्यों ना पूरा एक बार में प्रोडक्ट आप लोग को बता दूं, सारे प्रोडक्ट मैं देख लूं, उसके बाद आप लोग को बता दूं। तो यार जो पहला प्रोडक्ट है वो सैमसंग की तरफ से, और काफी तगड़ा प्रोडक्ट है। अगर मैं बात करूं तो सैमसंग बॉट हैंडी के नाम से एक रोबोट है जो कि घर के ऑलमोस्ट सारे काम कर सकता है। ऑब्जेक्ट उठाने से लेके वेट वेट उठाने तक ये सारे काम करता है। आप लोग को पानी वगैरह भी दे सकता है ये। और अभी तो फिलहाल लॉन्चिंग वगैरह तो इसकी नहीं बताई गई है, लेकिन आप लोग वीडियो में देख सकते होंगे कि यार कितना तगड़े तरीके से ये काम कर रहा है, और एक तरह का पर्सनल असिस्टेंट आप इसे कह सकते हो, और घर की जो सब्जियां वगैरह हैं इनको भी एक प्रॉपर तरीके से रख सकता है। दोस्तों उसी के साथ अगर मैं सैमसंग के नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करूं तो सैमसंग बॉट केयर नाम से एक और रोबोट है, और ये टोटल AI पे काम करता है। आपके बिहेवियर वगैरह को ये समझेगा और उसके अकॉर्डिंग ये काम करेगा। इसे आप कह सकते हो कि आपका पर्सनल असिस्टेंट है, और आपको टाइम टाइम हर चीज याद दिलाता रहेगा कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको पानी पीना है, और आपकी मीटिंग्स वगैरह जो भी शेड्यूल रहेंगी वो सारी बता देने वाला है कि आपको अभी मीटिंग अटेंड करनी है, आपको ये मीटिंग अटेंड करनी है। तो आने वाले टाइम पे ये हो सकता है कि पर्सनल असिस्टेंट चेंज होकर रोबोटिक असिस्टेंट पे लोग आ जाएं, क्योंकि रोबोट ज्यादा रिलायबल भी हो सकते हैं आने वाले टाइम पे। दोस्तों आते हैं आप सैमसंग के थर्ड प्रोडक्ट पे जो कि एक रोबोट है, और ये भी यार AI वगैरह पे ही काम करता है। जेट बॉट 90 AI+ के नाम से ये प्रोडक्ट है। ये जो है वो घर की साफ सफाई करेगा। तो इसकी खास बात क्या है कि यार ये ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी पे काम करता है, यानी इसके सामने जो भी ऑब्जेक्ट आएंगे उनसे ये लड़ेगा नहीं, ये साइड हो जाएगा। और लाइडार इसमें लगा हुआ है और बहुत सारे सेंसर लगे हुए हैं। तो सैमसंग ने ये भी बताया है कि जो वायर्स वगैरह हैं उनको भी ये इग्नोर करके आपके घर में क्लीनिंग बहुत प्रॉपर करने वाला है। यहां तक कि ये मटेरियल को भी बता देगा कि ये वास है, ये प्लास्टिक का मटेरियल है। तो जो क्लीनिंग होने वाली है काफी तगड़ी होने वाली है। मुझे लगता है कि जो स्मार्ट होम्स हैं काफी ज्यादा उसमें ये हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों सैमसंग के फोर्थ प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं तो ये एक तरीके का एक्सोस्केलेटन है, मतलब कि बाहर आपके शरीर पे फिट हो जाने वाला है और फिर काम करेगा। मतलब कि जो लोग हैंडीकैप है, फिर जो लोग को चलने में दिक्कत होती है, इनके लिए काफी ज्यादा इफेक्टिव होने वाला है। वीडियो में आप लोग देख सकते होंगे, ज्यादा डिटेल तो इसके बारे में बताई नहीं गई है। लास्ट ईयर 2020 के CES में भी इस प्रोडक्ट को दिखाया गया था, और इस साल इस पर और भी काम किया जा रहा है कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह को यूज करके, ताकि आपके मूवमेंट को वगैरह ट्रैक वगैरह किया जाए कि कहाँ दिक्कत हो रही है। दोस्तों आते हैं लास्ट प्रोडक्ट पे जो कि काफी दिनों से मार्केट में हाइप चल रही थी, काफी दिनों से मार्केट में रूमर्स वगैरह चल रही थी। अब लॉन्च हो गया है सैमसंग गैलेक्सी S21, सैमसंग गैलेक्सी S21 Plus और सैमसंग गैलेक्सी S21 Ultra। अब इसमें बताया ही जा रहा है कि चार्जर इसमें आपको नहीं मिलने वाला है। जैसे कि मैंने कुछ दिन पहले एक टेक्निक से बताया कि सैमसंग अपने सारे एडवर्टाइजमेंट डिलीट कर रहा है, जिसमें उन्होंने एप्पल को मॉक किया है चार्जर को लेते हुए, और वो चीजें आप सही भी हो गई कि आप चार्जर आपको नहीं मिलने वाला है मोबाइल के साथ, यानी कि आप नए फोन के साथ पुराना चार्जर ही लगाने वाले हो, टाइप सी आपको मिलने वाला है। और दोस्तों अब हम बढ़ते हैं LG की तरफ और देखते हैं कौन कौन से प्रोडक्ट LG ने लॉन्च किए हैं, कौन कौन से प्रोटोटाइप LG की तरफ से आए हैं। दोस्तों CES 2021 में सबसे पहला प्रोडक्ट LG ने अपना रोलेबल फोन निकाला है, जो कि काफी दिनों से रूमर्स में था, और इस फोन को वही स्लाइड करके आप खोल सकते हो, बड़ा कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूं दूसरे प्रोडक्ट की, तो यार आप लोग को पता है कि इस पॉल्यूशन के टाइम पे काफी ज्यादा सांस वांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो LG ने एक मास्क निकाला है जो कि एक तरीके का एयर प्यूरिफायर है। आप उस मास्क को लगा के कहीं भी ट्रेवल कर सकते हो, और आपको हर तरीके के जर्म से, डस्ट से बचाने वाला है। उसी के साथ LG ने तीसरा प्रोडक्ट लॉन्च किया था, एक तरीके का एयर प्यूरिफायर जो कि एक पॉकेट एयर प्यूरिफायर है।
इस एयर प्यूरिफायर को आप कहीं भी लेके जा सकते हो, आप इसको अपनी गाड़ी में रख सकते हो, आप इसको अपने वर्किंग टेबल पे रख सकते हो और वहां पे आपको काफी अच्छी एयर मिलने वाली है, वहां के माहौल में अलग ही मजा होने वाला है। और दोस्तों ये जो प्रोडक्ट है एयर प्यूरिफायर या फिर आप कह सकते हो एयर प्यूरिफायर मास्क जो है, ये काफी ज्यादा अच्छे मटेरियल के हैं, मतलब वीडियो में आप लोग देख सकते होंगे। और मुझे लगता है यार महंगे भी बहुत ज्यादा होने वाले हैं, सस्ते तो नहीं होंगे क्योंकि काफी ज्यादा पैसा लगा होगा इसको बनाने में। उसी के साथ दोस्तों अगर मैं बात करूं अगले प्रोडक्ट की, तो ये एक तरीके का रोबोट है, क्लोए रोबोट, जो कि यूवी लाइट अपने अंदर से निकालता है या फिर यूवी लाइट फेंकता है और आसपास की जो सराउंडिंग है उनको क्लीन करता है, जैसे जर्म्स है, बैक्टीरिया है, वायरस है, इन सारे चीजों को मार देता है। कहां ज्यादा इफेक्टिव होने वाला है, ऑफिसेज में, होटल्स में या फिर आप घर में भी इसे यूज कर सकते हो। आज के टाइम पे आपको पता ही है कोरोना वोरोना फैल गया और नया भी आ गया कोरोना, तो काफी ज्यादा इफेक्टिव होने वाला है और जिन लोग का वर्क फ्रॉम होम नहीं हो रहा है तो उनके ऑफिस के लिए काफी अच्छा होने वाला है, लेकिन मुझे लगता है प्राइस ऑब्वियसली महंगी होने वाली है। अब दोस्तों बात करते हैं कि कुछ अलग कंपनी जो कि नए इनोवेशंस लेके आई हैं, तो एक एयर विडा करके कंपनी है, इन्होंने स्मॉलेस्ट एयर प्यूरिफायर बनाया है। आप लोग के पास नेक बैंड वाला ईयरफोन हो गई तो वैसे ही ये फिट हो जाता है, फोटो में आप लोग देख सकते होंगे, और ये एयर प्यूरिफाई करेगा आपके आसपास की, अगर मैं बताऊं 2 मिलियन आयंस पर सेंटीमीटर क्यूब एवरी 0.6 सेकंड पे करेगा। अब ये आप लोगों को समझ में तो नहीं आएगा कि क्या मैंने बोल दिया है, लेकिन अगर मैं कंपेयर करूं विच इज 100 टाइम्स मोर देन अ फॉरेस्ट, आप लोग समझ सकते होंगे। अब आप लोग कंपेयर जब मैंने किया तो आप लोग समझ गए कि काफी अच्छी एयर प्यूरिफाई कर रहा होगा। तो एयर प्यूरिफाई के साथ ये और भी सारी चीजें करता है, जैसे कि आप लोग को किसी चीज से अगर एलर्जी वगैरह है तो उन सारी चीजों को भी ये आपके आसपास नहीं आने देगा, या फिर जिन लोगों को पेट से एलर्जी होती है तो वो सभी अवॉइड हो जाने वाली है। और यार मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा कि आने वाले टाइम पे अच्छी एयर तो नहीं मिलने वाली है मुझे लगता है, तो यही सारे प्रोडक्ट जो होंगे जो हमारी हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि ब्रीदिंग की प्रॉब्लम अब धीरे धीरे स्टार्ट हो गई है, क्योंकि अगर आप जहां रह रहे हो वहां की अगर एयर क्वालिटी चेक करोगे तो हमेशा आप लोग को वार्निंग ही मिलने वाला है कि बाहर ना निकलिए, बाहर निकलिए तो मास्क लगा के निकलिए। तो ये सारी चीजें हमें आने वाले फ्यूचर में काफी हेल्प करने वाली है, और ब्रीदिंग प्रॉब्लम तो यार आने वाले टाइम पे हर किसी को होने वाली है अगर केयर नहीं करी गई तो। उसी के साथ दोस्तों अगर मैं बात करूं जनरल मोटर्स की, तो इन्होंने यार फ्लाइंग कार निकाली है, सेल्फ ड्राइविंग फ्लाइंग कार है ये, तो यार ये एक फ्यूचरिस्टिक कार होने वाली है जो कि अभी बस एक प्रोटोटाइप इन्होंने दिखाया। तो यार ये वर्टिकली उड़ती है और ऐसे जाती है, मतलब आप लोग को सारे ट्रैफिक वगैरह से आप लोग को बच के निकाल देने वाली है, बाकी तो इस पे कुछ चर्चा नहीं करी गई थी। और दूसरी चीज इसकी अगर स्पीड की बात करूं तो 55 माइल्स पर आवर आपको इसकी स्पीड देखने को मिल जाएगी, बाकी जो स्पेसिफिकेशन है, बाकी रिलीज डेट है कुछ नहीं बताई गई है। उसके साथ अगर दोस्तों मैं बात करूं एक और प्रोडक्ट की, तो यार मुझे ये भी काफी अच्छा लगा, लिनोवो ने अपना थिंक रियलिटी A3 स्मार्ट ग्लास लॉन्च किया है, और इस ग्लास की खास बात क्या है कि आपको 5 वर्चुअल डिस्प्ले ये दिखा सकता है, मतलब आपने चश्मा पहना और आप लोगों को 5 वर्चुअल डिस्प्ले आप लोगों को दिखेगी एक ही चश्मे में, मतलब दोनों साइड में, तो यार काफी ज्यादा अच्छी चीज है। और आने वाले टाइम पे मुझे ये लगता है कि इन्हीं में सब लोग हर कोई मीटिंग कर लेगा, इधर जूम मीटिंग चल रही है, इधर आप लोग का यूट्यूब चल रहा है, इधर मतलब सब चीज वैसे ही चलने वाली है। बाकी 8 मेगापिक्सल का कैमरा वगैरह आपको इसके अंदर मिल जाने वाला है, और जो कि 1080 पिक्सल पे वीडियो रिकॉर्डिंग करने वाला है। ये एक 3D ग्लास है, तो आप लोग को सारी ऑगमेंटेड रियलिटी या फिर वर्चुअल रियलिटी सारी चीजें आप लोग को इसमें इस चश्मे से करने को मिल जाएंगी, मतलब आप इसको यूज कर सकते हो उस चीजों के लिए। प्राइस वगैरह तो इसकी रिवील नहीं करी गई है, लेकिन ये बताया गया है कि ये मिड ऑफ 2021 से ही आपको मार्केट में दिख जाने वाला है। दोस्तों लास्ट प्रोडक्ट की बात करूं, प्रोडक्ट तो नहीं है, एक तरीके का प्रोसेसर है इंटेल, जो कि सब कोई जानते हैं, और यार इंटेल के लिए काफी ज्यादा सिंपैथी दिया गई है क्योंकि एप्पल ने भी साथ छोड़ दिया और अब माइक्रोसॉफ्ट भी साथ छोड़ने वाली है। तो इंटेल ने अपने टाइगर लेक सीपीयूज लॉन्च की हैं, जो कि आने वाले लैपटॉप में आपको देखने को मिल जाएंगे। उसी के साथ आपको जो गेमिंग करनी है तो उसके लिए i9 11th Gen भी आपको प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा मार्केट में। परफॉर्मेंस वगैरह की बात करो तो काफी अच्छी परफॉर्मेंस बताई जा रही है, यहां तक कि बताया जा रहा है कि 30-40% तक की परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाएगी वीडियो रेंडरिंग में या फिर वीडियो एडिटिंग में आपको जो भी टाइम लगता है। और काफी कंपनी अपने लैपटॉप के साथ रेडी भी है कि बस उन्हें मौका मिले और वो लॉन्च कर दें इस नए प्रोसेसर के साथ, जैसे MSI हो गई, HCL हो गई, Acer, HP हो गई। तो यार 2021 की शुरुआत में ही एकदम टेक्नोलॉजी से भरे प्रोडक्ट दिखा दिए गए हैं, और मुझे लगता है आने वाले टाइम पे और ज्यादा टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिलेगी रिलेटेड टू एनी फील्ड। मैं इलेक्ट्रॉनिक की बात करूं, मैं गैजेट्स की बात करूं, भाई मतलब गैजेट्स इलेक्ट्रॉनिक्स एक ही चीज है। मैं एरोस्पेस की बात करूं, मैं व्हीकल्स की बात करूं, तो आपको हर चीजों में AI, हर चीजों में आपको टेक्नोलॉजी मिलने वाली है, ताकि जो सारी चीजें हैं वो साथ एक साथ इंटीग्रेट हो सके। तो यार खत्म करते हैं आज का वीडियो, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। दोस्तों एक बात मैं आपको भूल गया है बताना कि नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को दबाना, दबा दो यार, काफी अच्छा मोटिवेशन मिलता है। उसी के साथ अगर घंटी का बटन दबाओगे तो कोई भी मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगी तुरंत के तुरंत। इस वीडियो को शेयर कर दोगे तो काफी अच्छा रहेगा, बाकी लोगों को बता दो कि क्या क्या टेक्नोलॉजी आने वाली है, क्या क्या चीजें दिखाई गई हैं। मैं सारी चीजों की लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप लोग डिटेल में देख सकते होगे। उसी के साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर की लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके फॉलो कर सकते हो। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा।